जय हिंद दोस्तों। चलिए, जैसे कि हम पहले वीडियो में आपको हम बता दिए थे प्रतिबल और विकृति के बारे में और उसका कितने पार्ट होते हैं उसके भी बारे में। तो पहला पार्ट आता है निम्न अपांग, दूसरा अधिनामक होता है और तीसरा जो आती है कर्तन होती है। चलिए आज हम पढ़ते हैं यंग अपांग होती क्या है। यंग अपांग क्या होती है, बिल्डिंग स्ट्रेस एंड बिल्डिंग स्ट्रेंथ के अनुपात को हम क्या कहते हैं, यंग अपांग कहते हैं, ठीक, या यंग मॉडुलस कहते हैं। इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यंग मॉडुलस यानी यंग अपांग के इक्वल टू होता है बिल्डिंग स्ट्रेंथ अपॉन बिल्डिंग स्ट्रेंथ, ठीक। चलिए, कैपिटल ई इक्वल टू होती है पी अपॉन ई, ठीक। जैसे कि हम पहले वीडियो में आपको हम बता दिए थे कि पी जो है आपका प्रतिबल है, ई है विकृति है। यहाँ से पी इक्वल टू आपका हो जाता है एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक। अब ये कहाँ से आया ये हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए पी इक्वल टू होती है आपकी एफ अपॉन ए यानी फोर्स अपॉन एरिया होती है। यहाँ से आपकी यहाँ से होगी आपकी फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। अब ई बात करते हैं, ई होती क्या है, ये विकृति है यानी कोई भी हम यहाँ से ले लिए, ये कोई राड है, ठीक। इस राड को जैसे कि ई कहाँ से आया, डेल एल अपॉन एल कहाँ से आया, ठीक। इसे हम देखते हैं यहाँ से कोई राड लेते हैं, ठीक, और या इसको टांगते यानी इसको हम डिफॉर्मेशन करते हैं यानी इसको हम बेंड करके थोड़ा बहुत बड़ा करते हैं, ठीक, खींचते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको खींचे तो यहाँ से यहाँ तक जो परिवर्तन हुआ, जैसे कि इसकी आकार मान लीजिए कुछ हुआ, यहाँ से इसको हम कर इस तरह बेंड कर लेंगे, ठीक। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो हुई इसको हम क्या करते हैं, डेल एल करते हैं। यहाँ से आपकी डेल एल हो गई, अब तो सभी लोग जानते ही हैं। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है, ये निकालने के लिए यहाँ से ये हो जाएगी आपकी एफ इंटू एल हो जाएगी और ये फोर्स इंटू डेल एल। अब यहाँ से डेल एल इस वर्ड क्या हो जाएगी, एफ एल अपॉन फोर्स इंटू ई, क्या होती है यंग अपॉन होती है, यही आपका यहाँ से डिफॉर्मेशन वाले, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट टाइप देखते हैं। चलिए अगला आपका आयतनात्मक मापांक होती क्या है। आयतनात्मक प्रतिबल और आयतनात्मक विकृति के अनुपात को आयतनात्मक मापांक कहते हैं, ठीक, यही होती है। अब यहाँ इसमें से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए जैसे कि एक बार और हम रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन, मतलब ये आपको समझने में दिक्कत हो, आयतनात्मक मापांक क्या होती है। आयतनात्मक प्रतिबल और आयतनात्मक विकृति के अनुपात, क्या अनुपात को आयतनात्मक मापांक कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिख दिया है इसमें भी आपको क्लियर दिखाई दे रही है, नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अगला है आपका कर्तन मापांक होती क्या है, ठीक। शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेंथ के अनुपात को क्या कहते हैं, के अनुपात को कर्तन मापांक कहते हैं, ठीक। इसकी यूनिट की बात किया जाए तो इसकी इकाई नहीं होती है, इसकी इकाई नो, इसकी इकाई नहीं होती है।